प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतु राज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमूला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमूला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमूला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमूला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल, सतमोला कवियों की चौपाल का आज परम सौभाग्य है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल, आज सतमोला कवियों की चौपाल में आज जो हमारे सामने आप दर्शकों के मध्य आज हमारे बीच में देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। कुछ कवि अपने आप को राष्ट्रीय कहलाना पसंद करते हैं, कुछ कवियों ने अपना अंतर्राष्ट्रीय कवि भी होते हैं, और अब तो कुछ ना कुछ, अब तो एक और कैटेगरी बढ़ गई है, एक और स्तर बढ़ गया, पायदान बढ़ गया, अंतरिक्षीय कवि। यानी कि उनका जो राष्ट्र होता है, एक गली से दूसरी गली में जाकर राष्ट्र ख़त्म हो जाता है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाकर अंतर्राष्ट्रीय ख़त्म हो जाता है, और एक जो अंतरिक्ष है, जो क्या नाम है, एक फ्लाइट से दूसरी शहर में जाते हैं, वो उनका अंतरिक्ष हो जाता है, क्योंकि वो अंतरिक्ष में उड़ के जाते हैं। यानी कि इस प्रकार, ये खैर एक व्यंग था, लेकिन सच में वाकई में अंतर्राष्ट्रीय कवि भी होते हैं, राष्ट्रीय कवि भी होते हैं, और राष्ट्र कवि भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि भी होते हैं, अंतरिक्षीय कवि भी होते हैं। लेकिन आज मैं एक और पायदान ऊपर चढ़ने जा रहा हूँ। मैं आपको ऐसी एक अलौकिक कवित्री को अपने सामने, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अलौकिक यानी अलौकिक अनुभूति प्रदान करने वाली कवित्री, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी आज हमारे मध्य प्रस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को मैंने पहले संस्कृति मंत्रालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसका मैं सदस्य हूँ, वेबिनार्स वगैरह आजकल चल रही हैं, 550वें गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसमें कवि दरबार में दीदी और मैं एक साथ उपस्थित थे। मैंने उनको गुरु नानक देव जी के ऊपर एक शब्द कीर्तन करते सुना कविता के रूप में। मैं इनका मुरीद हो गया, मैं इनका प्रशंसक बन गया, और अभी कुछ दिन पहले एक मैं फेसबुक लाइव पे भी उनको सुन रहा था, तो मैंने तब से ठान लिया कि मैं कैसे भी करके ऐसी अलौकिक अनुभूति की प्रदान करने वाली कवित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को मैं अपने मंच पे लेके आऊँगा सतमोला कवियों की चौपाल में। सतमोला कवियों चौपाल का सौभाग्य है आज हमारे उपस्थित हैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, आगरा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं, और उनके बारे में बस मैं ये कहूँगा कि शब्द सरिता जब सुरों के घोल में घुलती हुई बाहर हमारे कानों में पड़ती है,
तो ये आपको महसूस होगा कि वह केवल एक कवित्री नहीं, एक संगीतज्ञ भी हैं। मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। माता सरस्वती के चरणों में अपनी पंक्तियां समर्पित करती हूं, सुनिएगा। हे माँ सुनो पुकार हमारी, हे माँ सुनो पुकार हमारी, महका दो जग की फुलवारी, हे माँ सुनो पुकार हमारी, हे माँ सुनो पुकार हमारी। माँ से ये निवेदन की कठिन काल है, लेकिन माँ का आशीर्वाद और माँ का साथ होता है तो निश्चित रूप से कोई भी कठिनाई हो तुरंत दूर हो जाया करती है। तब प्रार्थना करती हूँ, घेर न ले निराशा गम को, घेर न ले निराशा गम को, दूर करो हे माँ इस तम को, घेर न ले निराशा गम को, दूर करो हे माँ इस तम को, माँ तो प्रतीक्षा करें तुम्हारी, माँ तो प्रतीक्षा करें तुम्हारी, हे माँ सुनो पुकार हमारी, हे माँ सुनो पुकार हमारी। माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आइए कुछ और रचनाओं से आपको जोड़ती हूँ, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण आप तक पहुंचाऊं, लेकिन उससे पूर्व एक छंद आप तक पहुंचाना चाहती हूँ ब्रज की इस माटी को प्रणाम करते हुए, सुनिएगा। ब्रजराज को नाम रटे रसना, बस राधे राधे गाए रयो, ब्रजराज को नाम रटे रसना, बस राधे राधे गाए रयो, सिगरो ब्रज धाम कन्हैया की, मुरली के गीत सुनाए रयो, मन वृंदावन की पावन रज, मन वृंदावन की पावन रज, माथे पर नीत लगाए रयो, जीवन तरीबे को या जग को, जीवन तरीबे को या जग को, ब्रज में ब्रज धाम बुलाए रयो, जीवन तरीबे को या जग को, ब्रज में ब्रज धाम बुलाए रयो। और आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उस रचना से आपको जोड़ना चाहती हूँ जो मेरे मन के मेरे हृदय के बहुत करीब है, और भगवान श्री कृष्ण और माराधा के उस अमर प्रेम को प्रणाम करती हुई रचना है, लेकिन श्रृंगार को समर्पित कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ और उसके बाद वो रचना सीधे सीधे आप तक पहुंचाती हूँ। रूप सिको रूप निहार लयो, कजरा सैनन सो बात करें, रूप सिको रूप निहार लयो, कजरा सैनन सो बात, बिना झुकी अलके पलके बहना बैनन सो बात करें, फिर कछु बात भई न कही पिया के, कछु बात भई न कही पिया के, नैनो नैनन सो बात करेगी अभोर भई, प्रिय प्रीत भाव ही अभोर भई, प्रिय प्रीत भाव चंदारे नन सो बात करें, इत बात करें उत बात करें, इत बात करें उत बात करें, अचरा अचरन सो बात करें, दर्शन दर्शन मुख सुंदर तम कजरा बै नन सो बात करें, दर्शन दर्शन मुख सुंदर तम दर्पण दर्पण सो बात करें, फिर बात चले सुंदरता की धड़कन धड़कन सो बात करें, नख से शिख तक श्रृंगार सजे, नख से शिख तक श्रृंगार सजे, बिछुआ चरणन सो बात
करे बिछुआ चरणन सो बात करे। बहुत सारे छंद हैं इस श्रृंखला के, लेकिन मैंने दो छंद आप तक पहुंचाए। और आई हूँ भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के उस अमर प्रेम को प्रणाम करती हूँ, जिसमें आपको कभी अगर इन वृंदावन जाने का अवसर मिला हो तो निधिवन, जहाँ वह प्रेम पुष्पित और पल्लवित हुआ, वहां के हर तुलसी के दल को देखकर ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण के मूल मुकुट के दर्शन कर लिए हो। तब प्रणाम करती हूँ समर प्रेम को और अपना गीत आप तक पहुंचाती हूँ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए समर्पित करती हूँ। सुनिए। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, हर निधिवन बसी कृष्ण की पाखुरी। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, हर निधिवन बसी कृष्ण की पाखुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, दस की दस उंगलियों से बज बांसुरी। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका। और बंद समर्पित करती हूँ। कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ। प्रीत पावन हुई प्राण दीपक जले, तृप्ति के बावले मन मयूरा हुआ। नैन ने नैन से ही समर्पण किया, नैन ने नैन से ही समर्पण किया, आंसुओं ने मगन होवर आजुरी। नैन ने नैन से ही समर्पण किया, आंसुओं ने मगन होवर आजुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, दस की दस उंगलियों से बजी बांसुरी। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका। और इस गीत का अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ। कहीं ये प्रसंग सुना था कि भगवान श्री कृष्ण माँ राधा से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उस आतुरता में वो खौलती हुई खीर पी लेते हैं, लेकिन वो प्रेम इतना अमर था कि उसके छाले भगवान श्री कृष्ण के नहीं माँ राधा के हृदय में देखने को मिलते हैं। तब अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद, तो दौड़ी राधा बसुरिया संभाले हुए। पी गए कान्ह जब कॉल खीर को, तोरी दे राधिका जी के छाले हुए। मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह, मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह। नभ से मिलती है जैसे दरा माधुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, दस की दस उंगलियों से बजी बांसुरी। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका। लेकिन इस गीत के साथ ही मैं चाहती हूँ कि आपको ब्रज की ओर ले चलूं और तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ। ब्रज की ओर ले जाती हुई वो पंक्तियां और वो भाव, आइए आपको ले चलती हूँ ब्रज। सुनिए। चलो ब्रज की ओर चलें, चलो ब्रज की ओर चलें, चलो ब्रज की ओर चलें, चलो ब्रज की ओर चलें। नित भोर गुजते विभोर चलें, नित भोर गुजते विभोर चलें, चलो ब्रज की ओर चलें, चलो ब्रज की
ओर चले, चलो बिरज की ओर चले, नित भोरों जिते विभोर चले, मस्तक पर धरी बेको या कीरज उंगलिन की घर कोर चले, रंगन में सरवोर, रंगन में सरवोर घोर मिश्री सी, रंगन में सरवोर घोर टे सुन से भीगी चोर चले, ये में जय जय को सोर मोर के पंखन में चित चोर चले, सिख फोर फोर दुखन के फोरा दुखन को, सिख फोर फोर दुखन के फोरा सुखन को, रंग बोर चले जब तोर तोर संकट के पागुन धीरज धरे कठोर चले, चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की ओर चले, बंशीधर को धाम यही अरु काम है राधे रानी को, बंशीधर को धाम यही अरु काम है राधे रानी को, कल कल करती कालिंदी को श्यामा की चुनर धानी को, घट घूंघट को पट को हट को पन घट गए प्यास को पानी को, घट घूंघट को पट को हट को पन घट गए प्यास को पानी को, अति ज्ञान गुमान को तोड़ यही मति मूढ़ मय अति ज्ञानी को, मन मिसरी सी घोर चले, मन मिसरी सी घोर चले, चलो बिरज की ओर 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 चले। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी को सुनना सही मायने में आपको ऐसा लगेगा कि एक आप काव्य सत्संग में आप उनका आनंद ले रहे हों। काव्य सत्संग, कवि सम्मेलन आपने बड़े सुने होंगे, ठाका सम्मेलन आपने बहुत सुने होंगे, काव्य सत्संग का अगर आप मजा लेना है तो डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी को नहीं सुना तो आपने कहीं कुछ नहीं सुना। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में हम अगले कवि को बुलाते हैं। ये कवि हमारे सतमोला कवि चौपाल में 10 वर्ष पूर्व आ चुके हैं, उस समय ये नवोदित कवि थे और आज ये बहुत ही लोकप्रिय हास्य ओज व्यंग और श्रृंगार हर प्रकार का और करुणा रस सब में लिखते हैं, जिनका नाम होता है मुरसाने के, यानी कि सब रस मुरसानी जी आज हमारे बीच में हैं, बड़े वरिष्ठ व्यंगकार कवि, जोरदार ताले के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। नेता का मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहे हो मैं उनकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। ऐसे ही कुछ भ्रष्ट नेता जो हमारे देश में हैं, मैं उनके लिए कुछ पैरोडी पढ़ रहा हूं, सुने आप। हमने तो जिता कर तुझे फर्ज अपना निभाया है, हमने तो जिता कर तुझे फर्ज अपना निभाया है, पर कुर्सी पे पसरते ही तूने हमें भुलाया है, रोज रोज आता था अब सालों साल नहीं आता है, रोज रोज आता था अब सालों साल नहीं आता है, द्वार तेरे जाते हैं तो ठेंगा हमें दिखाता है, खा खा करके हराम का थौंद तेरी ये झूमती, खा खा करके हराम का थौंद तेरी ये झूमती, और महंगाई की मारी ये जनता बेचारी घूमती, हो जैसे चंदन से लिपटा कोई नाग रहे, हो जैसे चंदन से लिपटा कोई नाग रहे, तेरे होठों पे भी नेता ऐसी आग रहे, हो जैसे चंदन से लिपटा कोई नाग रहे, तेरे दिल में भी नेता ऐसी आग रहे, तेरे होठों पे भी नेता ऐसी आग रहे। वो हमारे यहाँ वो भी नेता थे और आज के ये भ्रष्ट नेता हैं। तब मैं अगला बंद पढ़ रहा हूं। वतन पर मर मिटे जो
वो भी तो एक नेता थे, सूरवीर प्रणेता थे और हिंद के विजेता थे। वतन पर मर मिटे जो, वो भी तो एक नेता थे, सूरवीर प्रणेता थे और हिंद के विजेता थे। लेकर के तिरंगा हाथ बैरी की छाती गड़ गए, लेकर के तिरंगा हाथ बैरी की छाती गड़ गए। मौत को सीने लगा, हंस करके फांसी चढ़ गए। और एक तुम हो गुग्गू, और एक तुम हो गुग्गू लूलू सूसू हूं, और एक तुम हो गुग्गू रहते घोटालों की जुगाड़ में, और एक तुम हो लूलू रहते घोटालों की जुगाड़ में। देश जाए कुआं में और जनता जाए भाड़ में। हो जैसे, हो जैसे, हो जैसे लाशों के पास गिद्ध काग रहे, हो जैसे लाशों के पास गिद्ध काग रहे। तेरे होठों पे भी नेता ऐसी आग रहे, तेरे दिल में भी नेता ऐसी आग रहे। जिस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, शायर को आमंत्रित करना चाहता हूं, सतमोला कवि गुजपाल का एक बहुत प्यारा गठबंधन है। गठबंधन केवल शादी का ही नहीं होता, गठबंधन केवल राजनीतिक दलों का नहीं होता, गठबंधन होता है। सतमोला कवियों की चौपाल के अंदर नवोदित रूप में आते हैं और जिंदगी भर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे एक अजीम शायर अरुण साहिबाबादी आज हमारे बीच में, वह भी हमारे साथ कम से कम 8 साल पहले जुड़े थे और अब तक निरंतर हमारे साथ चले आ रहे हैं। अरुण साहिबाबादी जी को मैं दो पंक्तियों के साथ, मेरे पिताजी की ही दो पंक्तियाँ हैं, कि कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सोई घुटन धागा लवों को सी लिया मैंने, लवों को सी लिया मैंने। अरुण साहिबाबादी, सबसे पहले मैं अपनी रचनाएं निवेदित कर रहा हूं आदरणीय अनिल कुमार मित्तल जी, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, और डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गीतकार हैं। सबसे पहले मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूं, दो मुक्तक। वक्त के साथ चलना ही काफ़ी नहीं, वक्त से आगे भी सोचना चाहिए। अपने माँ बाप को जानने के लिए, अपने माँ बाप को जानने के लिए, बूढ़ा बन कर कभी देखना चाहिए। और इसमें जो शब्द है दूसरे मुक्तक में, गौतम का मतलब है गौतम बुद्ध, तो उस वाक्य को आप नज़र में रखिए गौतम बुद्ध वाले को, और तब आप सुनिए इस कथे को। फिर एक वक्त तुमने उठाए थे जो बचन, शादी के बाद उनको भुलाना गुनाह है। फिर एक वक्त तुमने उठाए थे जो बचन, शादी के बाद उनको भुलाना गुनाह है। गौतम तुम्हारा कैसा ही मकसद सही, मगर गौतम तुम्हारा कैसा ही मकसद सही, मगर बीवी को सोता छोड़ के जाना गुनाह है। और अगली गजल देखें हजरत। सुनी है कितने मकानों की सिसकियां मैंने, सुनी है कितने मकानों की सिसकियां मैंने,
बदलते देखी हैं नामों की तख्तियां मैंने। मैं एक शजर हूँ बुढ़ापा जवानी और बचपन, मैं एक शजर हूँ बुढ़ापा जवानी और बचपन। हर एक दौर में झेली है आंधियां मैंने, के जिनको समझा था असली वो कागजी निकले, के जिनको समझा था असली वो कागजी निकले। उदास देखी हैं गमलों पे तितलियां मैंने, बहुत हसीन कफन भी जहां में होते हैं, बहुत हसीन कफन भी जहां में होते हैं। जनाजे जैसी भी देखी हैं डोलियां मैंने। अब मैं एक ऐसे युवा कवि मेरे अनुज संजय गिरी जी बहुत काव्य संस्थाएं चलाते हैं, साथ ही साथ कवि होने के साथ साथ आप एक आर्टिस्ट भी हैं। आर्टिस्ट से मतलब है आप बहुत बड़े चित्रकार हैं। और मैंने कहा कि भाई ठीक है भाई, दुनिया में लोग अपने कार्टून बनवाते हैं, लोग कार्टून बना देते हैं आदमी को, मेरा कार्टून आज तक किसी ने नहीं बनाया, स्केच नहीं बनाया, तो मुझे उम्मीद है कि संजय गिरी जी मेरा भी कार्टून बनाएंगे। और लेकिन कार्टून ही बनाएंगे, मुझे कार्टून नहीं करेंगे। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ संजय गिरी जी को जोरदार ताली के साथ, छोटे अनुज संजय गिरी जी। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई प्रवीण आर्य जी, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे सादर आमंत्रित किया और मेरा काव्य पाठ आज सतमोला कवियों के चौपाल पे प्रसारित होने जा रहा है, ये मेरा परम सौभाग्य है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं कहता हूँ कि सतमोला कवियों की जो चौपाल है उसको 17वें वर्ष में प्रवेश करने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि वो अनंत अपनी यात्रा ऐसे ही करती रहे और ऊंचाइयों पर और ऊंचाइयों पर बढ़ती रहे और हम जैसे नावांकुरों को भी ऐसा सुनहरा अवसर प्रदान करती रहे, ऐसी मेरी कामना है। और दोस्तों आइए, आप नामांकुर थोड़े हैं, आप नामांकुर नहीं है सर, आपके समक्ष तो मैं नामांकुर ही हूँ। चलिए चलिए, आप नामांकुर। सर प्रथम मैं अपने शहीदों को नमन करते हुए एक मुक्तक में पढ़ता हूँ, सुनेगा। कहता हूँ कि नमन है उन शहीदों को जिन्होंने जान गवाई है, तिरंगे में लिपट उनकी जो आधी लाश आई है। नमन है उन शहीदों को जिन्होंने जान गवाई है, तिरंगे में लिपट उनकी जो आधी लाश आई है। रचाई थी ये साजिश जो किया था पीठ पर हमला, रचाई थी ये साजिश जो किया था पीठ पर हमला, घरों में घुस के मारेंगे कसम ये हमने खाई है, घरों में घुस के मारेंगे कसम ये हमने खाई है। और चार पंक्तियां और शहीदों के सम्मान में मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। मिटे हैं देश पर जो वीर उन पर गान लिख देंगे, क्षितिज तक उन शहीदों के सभी अरमान लिख देंगे। मिटे हैं देश पर जो वीर उन पर गान लिख देंगे, क्षितिज तक उन शहीदों के सभी
अरमान लिख देंगे न सुधरा पाप यदि अब भी जो करता पीठ पर हमला न सुधरा पाप यदि अब भी जो करता पीठ पर हमला तो छाती फाड़े उसकी उस पे हिंदुस्तान लिख देंगे तो छाती फाड़े उसकी उस पे हिंदुस्तान लिख देंगे। और कहता हूं सुनेगा कि दुश्मन को हम ही जीतेंगे ये अनुमान नहीं होगा, दुश्मन को हम ही जीतेंगे ये अनुमान नहीं होगा, भारत की उन्नति में कोई अव्यवधान नहीं होगा। और मुझको है ये कसम निभानी हर हालत में मेरी माँ, मुझको है ये कसम निभानी हर हालत में मेरी माँ, मेरे इस पावन आंगन में अब शैतान नहीं होगा, मेरे इस पावन आंगन में अब शैतान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैंने अभी हाल फिलहाल एक चाइना पे जो तनातनी चल रही है उस पे एक नई कविता लिखी है जो काफी वायरल हो रही है, वो मैं आज सतमोला के मंच पे मैं पढ़ना चाहूंगा, सुनेगा। धूर्त चाइना के गाल पर करारा तमाचा मारती हुई कविता आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ, सुनेगा भाई साहब सुनेगा। कहता हूँ कि सुनो चाइना अब तुझको हम, सुनो चाइना अब तुझको हम ऐसा सबक सिखा देंगे कितनी ताकत है हम में ये दुनिया भर में बता देंगे, कितनी ताकत है हम में ये दुनिया भर में बता देंगे। सुनो चाइना अब तुझको हम ऐसा सबक सिखा देंगे कितनी ताकत है हम में ये दुनिया भर में बता देंगे। और कहता हूं सुनेगा कि 20 सिपाही तुमने मारे अब हम 200 मारेंगे, 200 मारेंगे तेरी ही सीमा में घुस हम मौत के घाट उतारेंगे, तेरी ही सीमा में घुस हम मौत के घाट उतारेंगे। और पंक्तियां निवेदित करता हूं चेतावनी देती हुई, सुनेगा कि नाटा है तो नाटा ही रे यूं आंख लड़ा न तू हमसे, नाटा है तो नाटा ही रे यूं आंख लड़ा न तू हमसे, वरना तेरी ही धरती में अब हम तुझको गाड़ेंगे, वरना तेरी ही धरती में अब हम तुझको गाड़ेंगे। सुनो चाइना अब तुझको हम ऐसा सबक सिखा देंगे, सुनो चाइना तुझको अब ऐसा सबक सिखा देंगे कितनी ताकत है हम में ये दुनिया भर में बता देंगे। और पंक्तियां निवेदित करता हूँ सुनेगा, कहता हूँ कि छोटी छोटी आंखों से तू यूं ना हमको घूरा कर, चेतावनी देती हुई पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष कहता हूं, सुनेगा कि अपनी छोटी आंखों से तू यूं ना हमको घूरा कर, 56 इंची सीने की तो हर इच्छा को पूरा कर, 56 इंची सीने की तो हर इच्छा को पूरा कर, अपनी सेना के दिल में तू अपनी सेना के दिल में तू झूठा भर्म न पाला कर, जितना हो सकता है बस तू युद्ध न हो ये टाला कर, जितना हो सकता है बस तू युद्ध न हो ये टाला कर। और याद कराती हुई पंक्तियां चाइना को मैं समर्पित करता हूँ, सुनेगा कि 62 का भारत मत समझो नेतृत्व आज का आला है, 62 का भारत मत समझो नेतृत्व आज का आला है, आधुनिक हथियारों से अब मोर्चा हमने संभाला है, आधुनिक हथियारों से अब मोर्चा हमने संभाला है, अब की गरना माना तू तो औकात तेरी हम बता देंगे, अब की गरना माना तो औकात तेरी हम बता देंगे, हमें कसम मां दुर्गा की अब महिषासुर सा काटेंगे,
हमें कसम माँ दुर्गा की अब भैसा सुरसा काटेंगे शंकर के जैसा तांडव अब शंकर शंकर के जैसा तांडव अब देश में तेरे कर देंगे शंकर के जैसा तांडव अब देश में तेरे कर देंगे चाइना तेरी ही भूमि को खंड खंड हम कर देंगे चाइना तेरी ही भूमि को खंड खंड हम कर देंगे सुनो चाइना अब तुझ को हम सुनो चाइना अब तुझको हम ऐसा सबक सिखा देंगे कितनी ताकत है हम में ये दुनिया भर में बता देंगे कितनी ताकत है हम में ये दुनिया भर में बता देंगे जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। अब समय हो गया सतमोला कमियों की चौपाल में इस कमर्शियल ब्रेक लेने का। सतमोला कमियों की चौपाल में हम कमर्शियल ब्रेक के लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको सुझाव देते हैं कि आप सतमोला की भुजिया, पनीर भुजिया, मीठी खट्टी मीठी गोलियों का आनंद लें। तब तक हम आपके पास पुनः आएंगे नए काव्य रस के साथ। बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ कुछ भी पचाओ। एक बार पुनः सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वैसे एक बहुत ही शब्द ठोकुस है, नमस्कार नमस्कार की जगह मैं नमस्ते बोलता हूँ, नमस्कार की जगह नमस्ते। सभी दर्शकों को, दर्शकों आपके बीच में अब मैं जिस कवित्री को मैं लेने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस कवित्री को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वह कवित्री संवेदना की बात करती है। खुद एक महिला होने के नाते, नारीमन होने के नाते बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकारा हैं, और जब वो नारी हैं तो वह माँ क्या होती है माँ के पक्ष को भी जानती हैं, वो बहन क्या होती है बहन के पक्ष को भी जानती हैं। यानी कि नारी एक अपने आप में समस्त सृष्टि को समेटने वाली, एक कहते हैं ना सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है, लेकिन मैं ये भी आज कह सकता हूँ बहुत सोच समझ के, सृष्टि की रचयिता सही मायने में एक नारी ही है, माँ ही है, बेटी है, बहन है। ऐसे ही मैं सृष्टि की रचयिता के स्वरूप में सुषमा गर्ग को मैं आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूँ, बहुत ही श्रेष्ठ रचना बेटी के ऊपर, और एक मोटिवेशन देने के लिए एक छोटी सी रचना करोना पर भी है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ सुषमा गर्ग जी का हम स्वागत करते हैं। आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए मंच को प्रणाम करती हूँ, और फिर मैं प्रणाम करती हूँ सतमोला ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल कुमार मित्तल जी को, और प्रसिद्ध कवि व मुख्य अतिथि श्री सबरस मुरसानी जी, और अंतर्राष्ट्रीय कवि व गीतकार श्रीमती डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को सादर नमन, और सादर नमन है मिस्टर श्रीमान प्रवीण आर्य जी को।
बड़े भाई साहब, जिनके अथक प्रयासों से ही सतमोला कवियों के चौपाल आज एक सम्मानित मंच को गौरवान्वित कर रहा है। मेरी प्रथम कविता होने के कारण मैं थोड़ा हिचक रही थी, परंतु इनके प्रभावशाली और मधुर वचनों का ही असर है कि आज मैं इस मंच पर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं अपनी कविता समर्पित करने से पहले डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को सादर नमन करते हुए उन्हीं की कुछ पंक्तियाँ, उन्हीं की रचित और उद्धृत उन्हीं की कुछ पंक्तियों को उनके चरणों पर समर्पित करती हूँ। आप गीतों का अथाह सागर हो और मैं उस सागर की एक छोटी सी बूंद उस सागर को समर्पित करते हुए। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं सागर से नदिया मिलाने चली हूँ, मैं सागर से नदिया मिलाने चली हूँ। निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे छुपे क्यों खड़े हो, कविता में अपनी सुनाने चली हूँ, कविता में अपनी सुनाने चली हूँ। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बेटी। आज मैं अपनी पंक्तियों के द्वारा माँ और बेटी के भावनात्मक रिश्तों को अभिव्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। माँ के दिल का अरमान है बेटी, माँ के दिल का अरमान है बेटी, माँ के सपनों की उड़ान है बेटी, जीने का आत्मविश्वास है बेटी, जीने का आत्मविश्वास है बेटी, माँ पापा के बीच एक प्यारा सा एहसास है बेटी, जीवन को नए नज़रिए से देखने का आईना है बेटी, जीवन को नए नज़रिए से देखने का आईना है बेटी, कल थी छोटी सी गुड़िया मेरी लाडो प्यारी सी आज एक नवयौवना है बेटी। जैसे कल ही की बात है, मेरी छोटी सी गुड़िया जब मेरी गोद में आई थी, खेलते मुस्कुराते पता ही नहीं चला कब इतनी बड़ी हो गई कि मेरे मन को, मेरी इच्छाओं को, मेरे सपनों को पढ़ने लगी, और कहीं कोई दबी समय के साथ कुछ जो इच्छाएँ, जो ख्वाहिशें जो कहीं दब गई थी, उन्हीं को वो पंख देने लगी, उसे एक नए नज़रिए के साथ, एक नए उमंग के साथ उसने मेरे सपनों को एक नई उड़ान दी। एक दबी छिपी ख्वाहिश है बेटी, एक दबी छिपी ख्वाहिश है बेटी, हर पल कुछ नया करने की करती फरमाइश है बेटी, एक ही ख्वाहिश पे रुकती नहीं है मम्मा और करते चले जाओ। एक दबी छिपी ख्वाहिश है बेटी, हर पल कुछ नया करने की करती फरमाइश है बेटी, उन्मुक्त पवन सी, उन्मुक्त पवन सी चंचल नटखट है बेटी, उन्मुक्त पवन सी चंचल नटखट है बेटी, रूठ जाए तो अगर झटपट मान भी जाती है बेटी, रूठ जाए अगर तो झटपट मान भी जाती है बेटी, घर आंगन में गूंजती एक खिलखिलाहट है बेटी, घर आंगन में गूंजती एक खिलखिलाहट है बेटी, भाई के चेहरे पर लाती एक मुस्कुराहट है बेटी, भाई के चेहरे पर लाती एक मुस्कुराहट है बेटी, आँखों का नूर है बेटी, आँखों का नूर है बेटी, पापा के सिर का ताज और मेरा गुरूर है बेटी, पापा के सिर का ताज और मेरा गुरूर है बेटी, एक प्यारी सी सहेली है बेटी, एक प्यारी सी सहेली है बेटी, कभी कभी लगती एक पहेली है बेटी, माँ की राजदार है, माँ की राजदार है और सुख दुख के पलों की हिस्सेदार है बेटी, एक माँ भी कभी बेटी रही होती है कभी बहन होती है, इसलिए वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझ पाती है और उसके साथ अपनी हर बात साझा करती है, और मैं भी अपनी बेटी के साथ जितना घंटों हम बातें करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ऐसे ही मॉल में घूमने चले जाते हैं और फिर तरह तरह के मुँह बना के सेल्फियाँ लेते हैं, एक प्यारी सी सहेली है बेटी, कभी कभी लगती एक पहेली है बेटी, माँ की राजदार है बेटी, सुख दुख के पलों की हिस्सेदार है बेटी, कभी चालक कभी सहायक कभी पथ प्रदर्शक है बेटी, कभी ड्राइवर बन जाती है मेरी और कभी असिस्टेंट बन जाती है, तो कभी कुछ सामान भी उठाने नहीं देती, और अगर कहीं घूमते फिरते कहीं लगता है कहीं रास्ता भटक गए हैं या कभी कहीं रास्ता समझ में नहीं आता तो एक गाइड बन जाती है, तो कभी चालक कभी सहायक कभी पथ प्रदर्शक है बेटी,
मेरी प्रेरणा आज उसी की प्रेरणा है जो मैं लिख पाई और आप सबके समक्ष उपस्थित हो पाई। मेरी प्रेरणा, मेरी आलोचक, मेरी मार्गदर्शक है बेटी। कभी चालक, कभी सहायक, कभी पथ प्रदर्शक है बेटी। मेरी प्रेरणा, मेरी आलोचक, मेरी मार्गदर्शक है बेटी। सच पूछो तो ऑल इन वन है बेटी। सच पूछो तो ऑल इन वन है बेटी, ऑल इन वन है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना नामक महामारी ने इस संसार को अपने दंश में डस लिया था और उसकी वजह से हर जगह तालाबंदी की गई, और तालाबंदी करने के बाद एक लॉकडाउन जो लगा था उसमें वातावरण जितना शुद्ध हुआ, तो उसके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है। हाहाकार मचा जनमानस में, हाहाकार मचा जनमानस में, हर ओर प्रलय सी छाई है। हाहाकार मचा जनमानस में, हर ओर प्रलय सी छाई है। नादा इंसान, इंसान अपने आप को पता नहीं क्या समझता है कि मैं चांद तक पहुंच गया हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। नादा इंसान समझ बैठा था खुद को भगवान, नादा इंसान समझ बैठा था खुद को भगवान, कुदरत से ही कर बैठा खिलवाड़। मासूम जीवों पर जो किया अत्याचार, मासूम जीवों पर जो किया अत्याचार, अब होके रहेगा इनका उपचार, अब होके रहेगा इनका उपचार। कुदरत है वो ना बख्शेगी, कुदरत है वो ना बख्शेगी, हर एक जुल्म का बदला लेगी। भूला था जो संस्कार अपने, हमारे संस्कार रहे हैं हाथ जोड़ना, ये गले लगना या फिर लपिया झपिया पाना, ये हमारे संस्कार नहीं है। भूला था जो संस्कार अपने, याद उन्हें करने की बारी आई है। वक्त ने फिर से ली अंगड़ाई है, समय का पहिया फिर घूम रहा, समय का पहिया फिर घूम रहा, हर ओर अंधियारा घिर रहा। नया सवेरा आने को है, नया सवेरा आने को है। कुदरत पे एक खुमारी सी छाई है, कुदरत पे एक खुमारी सी छाई है। सुबह शाम पंछियों की चहचाहट मन को कितनी भाई है, सुबह शाम पंछियों की चहचाहट मन को कितनी भाई है। खिला गगन और चमकते तारे, इतना इतना खुला आसमान, नीला गगन कि तारे भी अपनी, जो हम बचपन में सुनते थे कि तारे बिल्कुल साफ दिखाई देना, जो आजकल दिखने ही बंद हो गए थे। खिला गगन और चमकते तारे, सब कर रहे यही इशारा। खिला गगन और चमकते तारे, सब कर रहे यही इशारा। नवयुग का समय अब आया, नवयुग का समय अब आया, शांति प्रेम का संदेश है लाया। फिर से होगी वही बहारे, फिर से होगी वही बहारे, जीवन फिर से होगा गुलजार। पंछी जीवन होगा फिर से गुलजार, रहे सभी मिलजुल कर करे प्रकृति से प्यार, रहे सभी मिलजुल कर करे प्रकृति से प्यार। आज अगर हम प्रकृति को अपना प्रेम दुलार और अपनी देखभाल करते देते हैं, तो प्रकृति भी अपने इतने सुंदर पेड़ पौधे, उपवन, नदी नाले, इनसे हमारे जीवन को गुलजार कर देगी। इसलिए अपनी इस प्रकृति को, इतनी धरा को खूबसूरत बनाए, इसे जीवन योग्य बनाए। बहुत बहुत आभार सुषमा गर्ग जी। सुषमा गर्ग जी के बाद अब मैं एक और, आज क्या लो, इस एपिसोड के अंदर नारी प्रधानता हो गई है, यानी 33% आरक्षण यहाँ पर हमारे एपिसोड में हो चुका है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कानपुर से हमारे बीच में पहुँची वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर अंजना कुमार। डॉक्टर अंजना कुमार बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार हैं और बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात रखने में माहिर हैं, तो मैं डॉक्टर अंजना कुमार को सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अंजना, और आज अपनी कविताएं एक ओझीले अंदाज में लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। सुने, अदम्य साहस का प्रतीक नवीन सृष्टि का निर्माण करती हूं, बात जब खुद के अस्तित्व की आए वहीं पर नरसंहार करती हूं, वहीं पर नरसंहार करती हूं। और एक नारी का एक उजीला अंदाज होता है, एक तेजस्विनी अंदाज होता है, उससे भी अवगत कराती हूँ सबको। चंडी हूँ चंडी अपना रौंद्र रूप दिखाती हूँ, चंडी हूँ चंडी अपना रौंद्र रूप दिखाती हूँ, हाथ में आज तलवार लेकर लो मैं काली बन जाती हूँ, लो मैं काली बन जाती हूँ। मुझे मुझे अबला समझने की भूल मत करना दुष्टों, मुझे अबला समझने की भूल मत करना दुष्टों। आज भी आ जाऊं, आज भी आ जाऊं अपने पर
मुंडमाल तन में सजाती हूँ, मुंडमाल तन में सजाती हूँ, अधर्मियों की औकाद क्या मेरे सामने, अधर्मियों की औकाद क्या मेरे सामने, पाप नाशनी बनकर लो आज मैं दुर्गा बन जाती हूँ, लो मैं आज दुर्गा बन जाती हूँ। और एक कविता उस बेटी मनीषा को मैं समर्पित करती हूँ, उन सारी नारियों को समर्पित करती हूँ जो कि ऐसी सामनाओं का सामना करती हैं, ऐसी मुसीबतों का। तो उनके सामने एक कविता रखती हूँ, जब भी धरती पे नापाक किसी का दामन होगा कलियों की चिता होगी फूलों का हवन होगा। जहां भी रौंदा जाएगा किसी कली को बहाने से उस समाज का शर्तेहाई पतन होगा। कौन कहता है नारियां महफूज हैं यहाँ पर। अब तो गांधी के देश में उजड़ा चमन होगा। गुलिस्ता की हर कली रोकर है चिल्लाती, सच्चाई है देखा जाए तो, गुलिस्ता की हर कली रोकर के है चिल्लाती, पापा महफूज कर दो अब हमें, अब तो लगता है मेरा भी चीर हरण होगा। जो तितलियां बेबाक होकर घूमा करती थी चमन में, अब तो उनके दामन में खरोचों का सृजन होगा। और माँ भी ना दे पाएगी सुकन भरी लोरी, माँ देखिएगा जरा मेरी पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा, सभी आदरणियों से कहूंगी, माँ भी ना दे पाएगी सुकन भरी लोरी, क्या अंधेरे में किसी मनीषा का दहन होगा। दुशासन बनकर जो बैठे हैं चौराहे पर उनका भी रावण की तरह एक दिन दहन होगा। आज जब भी आएगी किसी नारी की इज्जत पर, सच्चाई है, आँच आएगी जब भी किसी नारी की इज्जत पर, फिर उस दुर्योधन का कलयुग में हनन होगा। बहन बेटियां होती हैं घर की इज्जत, जो ना समझ पाए उनका पतन होगा। और कुछ पंक्तियां आपके समक्ष फिर मैं रखना चाहूंगी अपनी कविता के माध्यम से, कि भारतवासियों को मैं संदेश देना चाहती हूँ, सब भारतवासी एक रहो और एकता का बहुत ही जरूरत है। जैसे कि मैंने फिर अपने उजीले अंदाज में कहती हूँ, मत बांटो भारत को जात पात के दीवारों में, रोती है अब मरी लाशें तुम्हारे दकियानुसी विचारों में, माना राग है तुम्हारी ढोल भी तुम्हारा है, मजहब को तो जिंदा रखो अपने दिल के गलियारों में। कब तक गंदा खेल खेलोगे सत्ता पाने के लिए, टूट गया जो सब्र जनता का उधड़े मिलोगे किसी किनारों में। माना भूखे भी हैं हम और नंगे भी हैं। मत आको मजबूरियों को अपने बाजारों में। और वैसीपन का खेल हमेशा वैसियत दिखाता है। जो मर गई ममता तो नरसिम्हा का खेल होगा हर नजारों में। और न्याय भी होगा हमारा और कानून भी हमारा होगा। फिर छुपते आओगे किसी के सहारों में, मैं अंजना समझाती हूँ सबको समझ लो। अच्छा नहीं होता है धर्म का खेल सत्ता के दरबारों में, मैं तो हूँ समझती सबको हूँ समझाती। भारतवासी एक बन के रहो। फिर कोई ना तोड़ पाएगा तुम्हें जात पात के दीवारों में। और इसी के साथ मैं अपने काव्य पाठ का समापन करती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ, और फिर से सतमोला कवियों की चौपाल मंच को मेरा सादर नमन।
डॉक्टर अंजना कुमार के बाद अब मैं ऐसे कवि मित्र को प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो हमारे सतमौला कवियों के चौपाल में मेरे सहायक हैं, यानी सहायक निर्माता हैं, और हम कभी उनको लल्ले के रूप में देते हैं, कभी पल्ले के रूप में देखते हैं, और लल्ले पल्ले के रूप में का सम्मिश्रण जो बनता है, वैसे तो मतलब हमारे लड्डू गोपाल जी भी होते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी बड़े सम्मानित हैं, पर ये लल्ले पल्ले यानी बहुत अच्छे, इनको फिल्मों में काम करना था, वहाँ पर काम इनको नहीं मिल पाया, इसलिए ये काव्य मंचों पर आ गए। काव्य मंचों पर आए, लेकिन आज काव्य मंचों पर आने के बाद आज ये छा गए हैं। कई बार क्या होता है कि है ना, हमारा भाग्य वहाँ पर साथ देता है, या हमें से वहाँ पर हमारा भाग्य वहाँ से हमें भगा करके दूसरे क्षेत्र में फेंक देता है और दूसरा क्षेत्र उसको लपक लेता है। ऐसे ही काव्य क्षेत्र ने जिनको लपका वो हैं संजय सूर्यम ठाकुर आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब मैंने इनको कविता पाठ इनका कराया तो उस टाइम मुझे सहज रूप से प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये ऐसी संवेदनशील कविता भी कर सकते हैं। तो बहुत ही संवेदनशील कविता माँ के ऊपर अपनी प्रस्तुत करने जा रहे हैं बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार संजय सूर्यम ठाकुर। मुझको ज्ञात नहीं है कि कैसे तुम्हें बुलाया जाए, तुम रूठे हो प्रियवर मेरे, कैसे तुम्हें मनाया जाए। इतना मुझको ज्ञात नहीं है कि कैसे तुम्हें बुलाया जाए। बंद पढ़ता हूं। किस कागज पर कौन लेखनी, किस कागज पर कौन लेखनी, कैसे शब्द चयन कर लूं मैं, किस कागज पर कौन लेखनी, कैसे शब्द चयन कर लूं मैं, किस अक्षर पर तुम रहते हो, किस अक्षर पर तुम रहते हो, उसको चूम चूम धर लूं मैं। बिन पाए हैं प्रियवर मेरे, कब तक साथ निभाया जाए। इतना मुझको ज्ञात नहीं है कि कैसे तुम्हें बुलाया जाए। एक बंद और पढ़ता हूं उसका। कब तक आंसू बहे याद में, कब तक आंसू बहे याद में, कब तक राह तुम्हारी देखें, कब तक राह तुम्हारी देखें, कब तक पूजे पाथर के बुत, कब तक चाह तुम्हारी देखें, कब तक चाह तुम्हारी देखें। जीवन के अंतिम पड़ाव पर कैसे समय बिताया जाए। इतना मुझको
ज्ञात नहीं है कि कैसे तुम्हें मनाया जाए। इसका अंतिम बंद पढ़ता हूं। खेद नहीं शुभ लाभ नहीं, खेद नहीं शुभ लाभ नहीं, और न मन में कोई अभिलाषा। कोरा कागज कोरी चदरिया, कोरा कागज कोरी चदरिया, दो शब्दों की एक परिभाषा, दो शब्दों की एक परिभाषा। चंचल चित्तू में मेरे प्रियवर, चंचल चित्तू में चितवन मोरे, कैसे तुम्हें बिठाया जाए। इतना मुझको ज्ञात नहीं है कि कैसे तुम्हें बुलाया जाए, कि कैसे तुम्हें बुलाया जाए। आपने संजय सूर्यम ठाकुर को सुना, बहुत अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। ऐसे आपके आपने पूरा आज एपिसोड देखा, आपको कवि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपके मन से आहा भी निकली होगी, वहाँ भी निकली होगी, आप खुल के हंसे भी होंगे। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमें अपना फीडबैक देते रहिए। टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 पे अपनी कार्यक्रम हमारा आपको कैसा लगता है उसकी राय आप हमें दीजिए, फीडबैक दीजिए। यदि आप नवोदित हैं, नवोदित कवि हैं और आप हमारे कार्यक्रम के सृजन के साथ जुड़ना चाहते हैं, लंबे समय तक जुड़ना चाहते हैं या आजीवन सदस्य हमारे साथ बनना चाहते हैं, तो भी आप हमसे फ़ोन के द्वारा संपर्क करें। 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करेंगे, हमारी जो कॉन्टैक्ट टीम है वो आपसे संपर्क करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी। आपके अंदर बस भाव होने चाहिए, मीटर हम ही सेट कर देंगे आपका। हम सतमोला कमियों की चौपाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप निसंकोच अपने प्रस्तुति प्रदान कर सकते हैं। बहुत ही एक शानदार प्लेटफॉर्म है। आप एक बार फ़ोन करके देखिए, आपको सहजता, सरलता और अपनत्व के साथ आपको अपना एक परिवार मिलेगा। तो याद रखिए 9711182183 पर हमसे संपर्क करें। सतमोला कवि चौपाल में आप सभी दर्शकों का, नवोदित कवियों का हार्दिक स्वागत है। अगले रविवार फिर मिलते हैं कुछ नए ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग, जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थी, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे 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 ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे, उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं, तो आप सर्व सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएं और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ।
प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा, मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और इस सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों का को इतना उदात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं आपके बीच में रहा जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, धरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जम कर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग, सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग, हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।